प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख, इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही सुख हो। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता, सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना, सुख की ओर आकर्षित ना, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से झुकने वाली घास वही भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें, सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? स्वयं विचार कीजिए।